स्वागत है आप सभी का इजी बैंकर चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम लोग नेशनल हाउसिंग बैंक की तरफ से आई हुई वैकेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर्स इन SMG4 रीजनल मैनेजर के पोस्ट है रिस्क मैनेजमेंट, ड्यूटी मैनेजर, JSM असिस्टेंट मैनेजर, इसके लिए रिक्रूटमेंट नेशनल हाउसिंग बैंक की तरफ से आई है, ठीक है। इसमें जो आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वह 1 दिसंबर 2021 से स्टार्ट हो चुका है और 30 दिसंबर 2021 तक अप्लाई होगा, ठीक है। आपका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वह 1 दिसंबर 2021 से स्टार्ट हो चुका है और 30 दिसंबर 2021 इसका लास्ट डेट रखा गया है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि कितना वैकेंसी नेशनल हाउसिंग बैंक की तरफ से दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स है। पहला कि कट ऑफ डेट फॉर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 1 दिसंबर 2021, तो जो भी एलिजिबिलिटी में मांगा गया है उसका जो कट ऑफ जो है वह 1 दिसंबर 2021 तक आपका, मतलब आपका ग्रेजुएशन का डिग्री जो है 1 दिसंबर 2021 तक कम्प्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। जो वेबसाइट लिंक ओपन हो चुका है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने का वह 1 दिसंबर 2021 से 30 दिसंबर 2021 तक है, ठीक है। लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर एप्लीकेशन एंड पेमेंट, आपका पेमेंट करने का भी डेट क्या है 30 दिसंबर 2021 रखा गया है। डाउनलोड ऑफ ई कॉल लेटर फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर Scale 1 and 2 ओनली 10 डेज पीरियड टू एग्जामिनेशन, जब आपका एग्जामिनेशन होने वाला होगा उससे 10 दिन पहले ही आपका क्या होगा एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया जाएगा। ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो Scale 1 और Scale 2 के लिए सिर्फ होगा वह जनवरी या फरवरी मंथ में होगा 2022 में, ठीक है। रिजल्ट जो डिक्लेरेशन होगा Scale 1 और Scale 2 के लिए वह फरवरी या मार्च में ही होगा 2022 में, ठीक है। आपका जो इंटरव्यू होगा Scale 1, 2 और 4 के लिए वह मार्च-अप्रैल 2022 में ऑर्गेनाइज किया जाएगा, ठीक है। कंडक्ट ऑफ इंटरव्यू Scale 1, 2 और 4 मार्च-अप्रैल, ठीक है। डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट फॉर Scale 1, 2 और 4 अप्रैल या मई, मतलब मई तक आपका क्या होगा जो जो पूरा फाइनल रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा Scale 1, Scale 2 और Scale 4 के लिए, ठीक है। यह कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स और मंथ था, ठीक है। हम लोग वैकेंसी देख लेते हैं। जो असिस्टेंट मैनेजर है Scale 1 के लिए उसमें SC के लिए तीन वैकेंसीज है, ST के लिए 1 है, OBC के लिए 3 है, EWS के लिए 1 है, जनरल के लिए 6 है। टोटल वैकेंसी जो है वह 14 है असिस्टेंट मैनेजर Scale 1 के लिए, ठीक है। दूसरा ड्यूटी मैनेजर Scale 2, इसमें ST का 1 है, EWS का 1 है और इसका जो टोटल वैकेंसीज है वह 2 है। रीजनल मैनेजर Scale 4 रिस्क मैनेजमेंट, इसमें OBC के लिए 1 है, टोटल वैकेंसी जो है वह 1 है, ठीक है। टोटल वैकेंसी जो नेशनल हाउसिंग बैंक की तरफ से जो रिलीज किया गया है वह टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वह 17 है। 17 वैकेंसीज के लिए यह रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है नेशनल हाउसिंग बैंक की तरफ से, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं किसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है। जो आपका एज का जो है असिस्टेंट मैनेजर के लिए आपका मिनिमम 21 इयर्स होना चाहिए और मैक्सिमम 30 इयर्स। ड्यूटी मैनेजर Scale 2 के लिए 23 इयर्स मिनिमम है और 32 इयर्स मैक्सिमम है। रीजनल मैनेजर के लिए आपका 30 इयर्स मिनिमम है और मैक्सिमम जो है 45 इयर्स है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है। अगर आप असिस्टेंट मैनेजर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं इसके लिए एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो है आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए, मिनिमम 60% मार्क्स, ठीक है। अगर आप SC ST है तो 55% मार्क्स मांगा गया है, ठीक है। तो अप्लाई कर सकते हैं असिस्टेंट मैनेजर के लिए। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो है एक्सपीरियंस मांगा नहीं गया है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो उसका वेटेज दिया जाएगा, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए रिटेन एंड ओरल, एनालिटिकल एबिलिटी एंड जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमिक्स सिनेरियो, ठीक है। तो आप असिस्टेंट मैनेजर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसी 14 है, इसमें अगर आपका सिर्फ बैचलर डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, मिनिमम 60%। अगर आप SC ST है
तो 55%, ठीक है, इसमें कोई एक्सपीरियंस मांगा नहीं गया है। नेक्स्ट है ड्यूटी मैनेजर्स, इसके लिए ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, डिजायरेबल एमबीए फाइनेंस विल बी प्रिफर्ड, इसमें 2 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है, मिनिमम 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए 1 दिसंबर 2021 तक, और आपका ग्रेजुएट होना चाहिए तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है रीजनल मैनेजर्स, रीजनल मैनेजर के लिए आपका ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इन फाइनेंशियल एंड रिस्क मैनेजमेंट फ्रॉम ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ रिस्क प्रोफेशंस, ठीक है, और इसमें भी क्या है, मैंडेटरी एक्सपीरियंस है, 2 इयर्स का आपका एक्सपीरियंस होना ही चाहिए तब आप अप्लाई कर सकते हैं रीजनल मैनेजर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, आपका जो सिलेक्शन प्रोसीडर्स है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो होगा उसमें आपका रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड का 45 क्वेश्चन होगा, और इसका मैक्सिमम मार्क्स 60 रखा गया है, ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में होगा, 60 मिनट के लिए। जनरल अवेयरनेस का होगा 15 क्वेश्चन है और मैक्सिमम मार्क्स 50 है, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में होगा, 40 मिनट्स का होगा, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज का 25 क्वेश्चन आएगा 30 मार्क्स का, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का 35 क्वेश्चन आएगा 60 मार्क्स का, ठीक है, यह सब एमसीक्यू क्वेश्चन होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो पूछा जाएगा इसमें 155 होगा, मैक्सिमम मार्क्स 200, और 3 घंटा का पेपर होगा, ठीक है, और एक पेपर और होगा डिस्क्रिप्टिव का, जिसमें आपका लेटर राइटिंग और इससे लिखना पड़ेगा, 2 क्वेश्चन होगा, मैक्सिमम आपका 30 है, ये इंग्लिश में होगा, मीडियम जो होगा इसका एग्जाम का वो इंग्लिश है और 30 मिनट का होगा डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, ठीक है, यह आपका एग्जामिनेशन पैटर्न है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन, और उसके बाद क्या होगा, एक इंटरव्यू होगा। सबके लिए अलग है, अगर आप MMGS के लिए अप्लाई किए हैं तो उसके लिए अलग क्राइटेरिया रखा गया, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, रीजनिंग का, क्वांटिटी एप्टीट्यूड और इंग्लिश पूछा जाएगा, और प्रोफेशनल लैंग्वेज चाहिए रिस्क मैनेजमेंट के लिए। आपका सैलरी भी वेटर असिस्टेंट मैनेजर स्केल 1 के लिए अप्लाई करते हैं तो इसमें 60,056 रुपया से आपका स्टार्ट होगा, ड्यूटी मैनेजर के लिए 79,000 एंड रीजनल मैनेजर जो है 1,26,954 रुपीज आपका स्टार्टिंग सैलरी होगा, ठीक है। नेक्स्ट, आपका जो एप्लीकेशन फी है वो कितना लगेगा, अगर आप SC ST है तो आपको 175 रुपीज लगेगा, अगर आप अदर है मतलब जनरल है OBC है तो आपको 850 रुपीज लगेगा, ठीक है, आपका 850 रुपीज जनरल OBC के लिए और EWS के लिए लगेगा, और आप SC ST है तो 155 रुपीज एप्लीकेशन फी लगेगा, ठीक है। आप एग्जामिनेशन सेंटर भी देख सकते हैं, एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ कहाँ पे दिया जाएगा, आपका जो एग्जामिनेशन लिया जाएगा वह अहमदाबाद है, बेंगलोर है, भोपाल है, भुवनेश्वर है, पटना भी है, रायपुर, रांची, आप यहाँ पे देख सकते हैं एग्जामिनेशन सेंटर 20 दिया गया है, यहीं पर आपका जो होगा प्रीलिम्स का एग्जाम लिया जाएगा, एक ही पेपर है प्रीलिम्स, उसके बाद एक इंटरव्यू है, ठीक है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, थैंक यू फॉर वॉचिंग।